नमस्कार, विंध्य भारत के साथ मैं प्रदीप त्रिपाठी। आइए डालते हैं नजर अब तक की सबसे बड़ी खबर पर। प्रदेश सरकार गौशाला के लेकर कई योजनाएं चालू की हैं, लेकिन आज भी गाय रोड में घूम रही है, क्या कहना है भाई? हमारा ये कहना है कि इन्हें व्यवस्थित किया जाए, बाड़ा बनाया जाए, पंचायत स्तर पर बनाया जाए, नगर पालिका स्तर पर बनाया जाए और इनके खाने पीने की व्यवस्था की जाए, ठीक है ना? गौशाला बना के उसमें एक भी गाय ना होना बड़े दुख की बात है, और गवर्नमेंट का फालतू पैसा जा रहा है इसमें समाज और हर वर्ग। आपको भी पीड़ा लगी है? शहर में जी मवेशी घूम रहे हैं हर जगह, हमारा पशु इतने ज्यादा है कि किसान इतना परेशान है कि किसान खेती करना बंद कर दिया। अगर देश में खेती नहीं होगी तो ऐसी भुखमरी आ जाएगी। इसको लेके क्या मानते हैं सरकार या प्रशासन, किसको दोष मानते हैं? देखिए, कुछ तो समाज का भी दोष है, सरकार को जमीन स्तर पर उनको या तो मालूम नहीं है कि क्या चल रहा है और या तो फिर करना नहीं चाहते। गौशाला जो बनाई गई है उस पर सरकार का नियंत्रण नहीं है, लगता तो ऐसे ही इसलिए कि फालतू बजट जा रहा है, इसको इसकी जमीनी जांच होनी चाहिए, ठीक है ना? और इन पशुओं को सुरक्षित स्थान पे रखने के लिए अलग से बजट देना चाहिए, है ना? खाने पीने की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, बहुत के लिए तरस रहे हैं, देखिए रोड में घूम रहे हैं, है ना? चाहे नगर पालिका हो, चाहे गांव हो, चाहे शहर हो, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और जहाँ तक गौ माता का सवाल है तो हमारे हिंदुस्तान में गौ को माता माना गया है ना? आवाज पानी के लिए तरस रही, कितने दुख की बात है। तो हम सबसे ये अपील करना चाहते हैं कि इस पर ध्यान दें, जैसे हर चीज़ पे जैसे ध्यान दें, शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, उसी तरह पशुओं पर भी ध्यान दिया जाए। अब इसके बारे में तो ज़्यादा हमें जानकारी नहीं, क्योंकि रिजर्व बैंक का काम है ये। जिले में विकास को लेकर सरकारें काम नहीं कर रही हैं। काम हो रहे हैं पर और अच्छे होने चाहिए, ऐसा नहीं। वक्त है बदलाव की। आपके पास कई लोग आते हैं, आपका जनाधार कमज़ोर नहीं है, यहाँ हर वर्ग के लोग आते हैं, ST SC हैं, OBC हैं, जनरल हर लोग आते हैं। क्या लगता है कि सरकार से लोगों की क्या अपेक्षा है, क्या नाराज़गी है? सरकार से मुख्य मुद्दा है नाराज़गी, महंगाई, ठीक है ना? आज लेबर वर्ग 250 रुपये मुश्किल से पा पाता है, ठीक है? अब उसको रात को तेल भी चाहिए, नमक भी चाहिए, कपड़ा भी चाहिए, इतनी ज़्यादा महंगाई है कि वो बाजार से बाहर है। पूरे विधानसभा क्षेत्र में पूरे विधानसभा। वक्त है बदलाव की, इसका आहट आपको लगता है? ऐसा लगता है। जनता के हितों के लिए आप किसी पार्टी से नहीं हैं, कोई बिलान नहीं करते हैं, लेकिन आपका हर वर्ग के साथ हमदर्दी है, फिर भी आपकी क्या मंशा है? कौन सरकार क्या मदद कर सकती है? अब देखिए, ये तो निर्णय लेना मुश्किल है।